बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर वन एंड वी हैव डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, हमने उन किंगडम्स के आगे पढ़ा कि उनमें क्लासिफिकेशन कैसे हो गई हुई है। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। सो ये सारा कुछ हमने पढ़ चुके। अब हमने रिप्टाइल्स की बात पढ़ना है आज, एम्फीबियंस के बारे में। तो बेसिकली एम्फीबियंस होते क्या हैं? लिखा हुआ है टोड, फ्रॉग, सेलमेंडर। देखिए टोड बेसिकली होता फ्रॉग की तरह ही है, उसकी सिर्फ शेप थोड़ी सी चेंज होती है, मेंढक की तरह ही होता है वो, उसकी थोड़ी सी कलर, उसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी चेंज होती है। सेलमेंडर भी एक बड़ा सारा फ्रॉग की तरह का ही होता है, लाइक छिपकली टाइप, इस तरीके का सेलमेंडर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का होता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनको एम्फीबियन कहते हैं। दे हैव फोर लिम्स, उनकी चार टांगें होती हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एम्फीबियन जो हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको फ्रॉग की एग्जांपल दूँ, तो फ्रॉग जो है ना वो अपने अंडे पानी में देता है और वो फिर बाद में ज़मीन पर आ जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन और स्किन, वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं और अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। दे यूजली हैव लूज एंड वेट स्किन, उनकी बहुत ही मतलब ढीली ढाली सी और गीली गीली सी स्किन होती है। अगर आप कभी मेंढक को पकड़ के देखें तो उसकी जो स्किन होती है वो बड़ी सी ढीली सी हो जाती है और वो हाथ से फिसलने वाली स्किन होती है। मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी जो है ना, बचपन की ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर गुजारते हैं। एंड रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स, और अंडे देने के लिए वो पानी में चले जाते हैं। एम्फीबियन एग्स लुक लाइक बीड्स इन जेली, अब जो एम्फीबियंस के अंडे जो होते हैं वो जेली के अंदर जो बीड्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बीन्स की तरह के होते हैं। जैसे अगर आपने कभी छोटे छोटे बॉल्स खाने के मिलते होते थे, मार्केट से मिलते हैं खाने के लिए, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं, उस तरह के एम्फीबियंस के अंडे होते हैं। दीज आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल्स, और इतने सॉफ्ट होते हैं और उनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता, इसलिए तो ये पानी में होते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चल जाए तो वो इसको खा भी सकते हैं। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो अक्सर इनके अंडे खा जाते हैं, तो इनका ना उनको बहुत ज़्यादा एहतियात और ख्याल रखना पड़ता है। इन विंटर एम्फीबियंस बरी देमसेल्फ इन द मड, वो कह रहे हैं कि सर्दियों में जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने आप को इस ज़मीन के अंदर दबा लेते हैं। एंड स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, और अपने आप को बहुत देर तक वो ज़मीन के अंदर ही रखते हैं उस ठंडे क्लाइमेट से बचाने के लिए, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ये अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये इसका मतलब कि ये जो है ना ये सर्दी में नहीं रह सकते, ये गर्मियों में ही रह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है फिशेस। लिखा हुआ है देर आर अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिशेस बेसिकली बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थी और बहुत डिफरेंट टाइप्स की थी, इसलिए उनको उन्होंने इसको एक अलग किस्म की क्लासिफिकेशन दे दी। दे लिव इन वाटर, फिशेस पानी में रहती हैं, उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, लाइक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जो ऐसी बॉडी होती है जो तैरने में काम आए। स्ट्रीम लाइन बॉडी इज़ वेल सूटेड टू स्विम फास्ट इन वाटर, के पानी में तैरने के काम आए। जैसे कि आप देख सकते हैं तैरना आगे से बारीक, फिर थोड़ी सी खुली और फिर बारीक, फिर थोड़ी सी खुली। ठीक है जी, इस तरह की बॉडी को स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। फिशेज हैव फिन्स एंड टेल्स, इनके ऊपर छोटे छोटे फिन्स स्केल्स टाइप और टेल उनकी दुम होती है, विच हेल्प देम टू स्विम, जो कि इनकी मदद करते हैं तैरने में। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन्स फॉर प्रोटेक्शन, और इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो बेसिकली इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनकी बॉडी पर मौजूद। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, उनकी ऐसे मुँह है ना इसके नीचे एक रेड कलर की आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इनको गिल्स कहते हैं। ये गिल्स बेसिकली उनको पानी में सांस लेने में मदद देते हैं। मोस्ट ऑफ़ द फिशेज रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स, और बहुत सी ऐसी फिशेज होती हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं एग ले करती हैं और फिर वो एग्स जो हैं वो बढ़कर मछलियाँ बन जाती हैं। ठीक है जी, ये होगी सारी बात फिशेज की। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क एल फॉर द एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स, एंड जी फॉर द एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स। जी लिखे उनसे जो कि लंग्स से गिल्स से ब्रीथ करते हैं, और एल लिखे उनसे जो कि लंग्स से ब्रीथ करते हैं। लिखे जी, देखे लिखा हुआ है शीप,
तो शीप भेड़ है, इनके लंग्स होते हैं, यहाँ पे एल लिख देते हैं। स्पैरो, स्पैरो एक चिड़िया है, इसके भी लंग्स होते हैं, एल। गिल्स उनके मौजूद होते हैं जो पानी में रहती हैं। शार्क, शार्क के भी, शार्क पानी में रहती है इसलिए उनके गिल्स होते हैं, जी। लिजर्ड, लिजर्ड जो है वो बेसिकली बात करें अगर लिजर्ड की तो वो ज़मीन पर भी रहती है और पानी के अंदर भी रहती है, तो इनके अंदर गिल्स भी होंगे और लंग्स, बेसिकली गिल्स ही होंगे जो उनको पानी में मदद देते हैं इनकी रिस्पायर करने के लिए, लेकिन लंग्स भी मौजूद होंगे, तो हम यहाँ पर एल लिख देंगे, एल एल जी एल। नेक्स्ट आ जाए इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो डू नॉट हैव बैकबोन, उनकी बैकबोन नहीं होती, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ज़मीन पर मौजूद हैं, लाइक इंसेक्ट्स, स्नेल, स्टार फिश, वर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, स्नेल आ जाता है, स्टार फिश जिसकी 5 हाथ होते हैं, वर्म्स जैसे लीच, इस तरह के वर्म्स एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेक्ट्स, सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट्स आर वेल नोन इन्वर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स जो है ना वो बहुत जाने माने इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बहुत ही आम इन्वर्टिब्रेट्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस की बात करते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स की बात की जाती है। तो इंसेक्ट्स वो कह रहे हैं कि उनके जॉइंटेड लेग्स, इनकी टांगें जो हैं वो साथ में जुड़ी होती हैं। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में इनकी बॉडी होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ लीच की, तो लीच अगर इस तरह की हो तो उनकी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी इसको कहते हैं, जिन पर छोटी छोटी लाइंस मौजूद होती हैं। आंट, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स। एवरी इंसेक्ट्स है 3 पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, हर इंसेक्ट के 3 हिस्से होते हैं बॉडी के, जिसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड यानी कि उनका सर, थोरेक्स यानी कि उनकी नीचे वाला हिस्सा, सर के नीचे वाला हिस्सा, और एब्डोमेन यानी कि उनका पेट। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, इंसेक्ट्स की 6 टांगें होती हैं, 3 पेयर, 3 पेयर्स में, मतलब कि 2 आगे, 2 उसके पीछे और 2 सबसे पीछे। दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर ना एक बहुत ही सख्त सा स्केलेटन मौजूद होता है, सख्त सी एक जो मतलब शेल्स मौजूद होती हैं, जो कि उनकी बॉडी की जो कि उनको बहुत सी चीज़ों से बचाती है। आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडीज़, और जो उनका ऊपर वाला जो सख्त हिस्सा होता है वो उनकी बॉडी को सपोर्ट देता है, मतलब उनको अगर बॉडी के ऊपर वो स्केलेटन नहीं होगा और आउटर स्केलेटन नहीं होगा तो वो बेसिकली उनकी बॉडी इतने छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कि वो मतलब इकट्ठी हो जाएगी, तो उस स्केलेटन ने क्या किया हुआ है, उनकी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है कि वो अपनी बॉडी बिल्कुल सही रख सकें, स्ट्रेट रख सकें, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंसेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्म्स की। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद सॉफ्ट बॉडीज़। वर्म्स बेसिकली बहुत बारीक मतलब नरम नरम उनके जिस्म होते हैं, जिनके लिम्स बिल्कुल नहीं होते, उनकी टांगें नहीं होती। ये लोग घसीट घसीट के चलते हैं, मतलब ये क्रॉलिंग करते हैं, जैसे बच्चा होता ना छोटा वो क्रॉलिंग कर रहा होता है, इस तरह ये भी क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव इलोंगेटेड स्नेक लाइक बॉडीज, बहुत से ऐसे वर्म्स होते हैं जिनकी लंबी सांप की तरह की जिस्म होते हैं, लेकिन सांप वर्म्स में नहीं आता। सांप की हमने पीछे बात की थी कि स्नेक जो है वो बेसिकली आता है रेप्टाइल्स में, लेकिन ये ऐसा रेप्टाइल है जिसकी टांगें नहीं होती, ठीक है जी। अर्थ वर्म एंड टेप वर्म आर द वर्म्स हुज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। सेगमेंटेड बॉडी की हमने पहले ही बात कर दी, जिसमें अर्थ वर्म और टेप वर्म भी आ गए हैं, लेकिन ये वर्म्स में हैं। फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म्स आर वर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन फ्लैट वर्म और राउंड वर्म्स ऐसे हैं जिसमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, क्योंकि फ्लैट वर्म बेसिकली फ्लैट चिपटा तरह का होता है, अगर वो कहीं पर पड़ा भी हो तो पता भी नहीं चलेगा, और राउंड वर्म्स भी ऐसे गोल गोल से होते हैं, लेकिन वो भी सेगमेंटेड नहीं होते, सिर्फ छोटे छोटे से गोल गोल से वर्म्स होते हैं। जो सेगमेंटेड होते हैं ना वो होते हैं अर्थ वर्म और टैपवर्म, ठीक है जी। ये सारी बात हो गई हमारी वर्म्स की। लिखा हुआ है सम वर्म्स लिव्स इन द बॉडीज ऑफ हायर एनिमल्स फॉर गेटिंग फूड, कि बहुत से ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि बड़े बड़े जानवरों के बॉडी के अंदर रहते हैं खाना हासिल करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको अक्सर कहा जाता है कि इसके पेट में कीड़े हैं, तो वो पेट में जो कीड़े मौजूद होते हैं ना अक्सर बच्चों के, कहा डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े मौजूद हैं, तो वो बेसिकली वर्म्स ही होते हैं जो कि पेट में इसलिए पैदा हो जाते हैं कि उनको खाने की ज़रूरत होती है, तो वो पेट से आप जो खाना खा रहे होते हैं वो आप में हजम नहीं हो रहा होता, वो ये कीड़े खा जाते हैं, आपका सारा खाना ये खा रहे होते हैं, इसलिए आपकी ना सेहत हो रही होती है, ना आप में हिम्मत ताकत हो रही होती है, आप में एनर्जी भी नहीं आ रही होती खाना खाने के बावजूद, क्योंकि आपके पेट में वो कीड़े मौजूद होते हैं, तो कुछ तरीके कर कुछ दवाइयों से वो कीड़े रिमूव कर दिए जाते हैं आपकी बॉडी से।
ओके जी, 6 5 क्लास, दिस इज़ पेज नंबर 10, एक्टिविटी 1.4। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। कहते हैं कि द वर्ड सर्च बिलो कंटेन द नेम ऑफ द एनिमल्स विच हैव नो बैकबोन। अब इनके अंदर ये इस पज़ल में ऐसे वर्ड्स आपने तलाश करने हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स हों जिनकी बैकबोन ना हो, ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं। अब उन्हें कह रहे हैं कि 8 इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर हाइड हुए हुए हैं, आपने वो सर्च आउट करने हैं। तो जो मैंने सर्च आउट किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो मैंने किया था अर्थवर्म, फिर स्टारफिश, स्नेल, ये मैंने आपको 3 बता दिए हैं। अब बाकी आपने खुद सर्च आउट करने हैं। दिस इज़ अ वर्क दैट यू हैव डन, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है जी, 5 क्लास, एंड नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज ऑफ इंग्लिश, साइंस। हमने साइंस का जो इंग्लिश कॉपी पे काम मैंने आपको करने के लिए देना है वो आपने करना है। और आपको क्या करना है कि अपनी जो आपकी कॉपी, आपको जो नोट्स दिए गए हैं स्कूल की तरफ से NPS नोट्स साइंस के, वो भी आपने निकाल लेना है। हेयर इट इज़ NPS नोट्स दैट वॉज गिवन टू यू बाई NPS। ठीक है जी, इससे हम काम स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस किए थे। व्हाट आर किंगडम, ये भी आपको कहा था करने के लिए। डिफाइन बैक्टीरिया, व्हाट इज़ एलजी, व्हाट इज़ फंजाई, एंड व्हाट आर एनिमल्स। ये 5 क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज पर लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पर बात आ जाती है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज आपने वर्क करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉमन इन एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल और फंजाई में क्या चीज़ बहुत कॉमन होती है, तो लिखा हुआ है फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक एनिमल्स, कि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती और वो जानवरों की तरह अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। ये चीज़ इनमें कॉमन है, कि ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव नॉट बैकबोन। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन और फर ऑन देयर बॉडीज़, मैमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज़ पर मौजूद होते हैं और बाल होते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ह्यूमन बींग, काउज, गोट्स, कैट्स, रैबिट्स आर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स का क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन, व्हाट आर बर्ड्स, बर्ड्स हैव फीदर्स, विंग्स एंड बीक्स, परिंदों के पर भी होते हैं, उनकी टंग, उनकी चोंच भी होती है। दे आर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, स्पैरो, काउज एंड पैरट्स आर एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास हो गया। 4th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, व्हाट आर रेप्टाइल्स, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 लिम्स बट स्नेक्स लैक लिम्स। बहुत से रेप्टाइल्स की 4 टांगें होती हैं लेकिन स्नेक्स की टांगें नहीं होती। स्नेक, लिजर्ड एंड टॉर्टोइज आर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फीबियंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। दे हैव 4 लिम्स, एम्फीबियंस की 4 टांगें होती हैं, वो पानी पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। टोड एंड फ्रॉग आर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड एम्फीबियंस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर फिशेस, फिशेस लिव्स इन वाटर, दे हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आज करवा दिए हैं, आपके NPS पेज नंबर 4 पे मौजूद हैं। पेज नंबर 4 पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पेज नंबर 4 पे जितने भी आपके 7 सवाल हैं जो कि आपने करने हैं। ठीक है जी, 5 क्लास, आज का काम आपका इतना ही है, आपने ये काम ज़रूर करना है। और आप जो क्वेश्चन भी करते हैं, कोशिश किया करें आप उसकी डायग्राम ज़रूर बनाएं। लाइक अगर बर्ड्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर बर्ड्स, तो आप किसी भी परिंदे की डायग्राम बना दें। व्हाट आर रेप्टाइल्स, किसी भी रेप्टाइल की डायग्राम बना दें, स्नेक की डायग्राम बना दें। व्हाट आर मैमल्स, तो मैमल्स में ह्यूमन की डायग्राम बना दें या मंकी की डायग्राम बना दें। तो इस तरह की छोटी छोटी एग्जाम्पल डायग्राम्स जो है ना 5 क्लास, वो बना लिया करें। अगर तो बुरी बनेगी तो कोई मसला नहीं है, अगली बार अच्छी बन जाएगी, लेकिन कोशिश करना ना छोड़ा करें। ओके 5 क्लास, तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।